प्रयागराज में बागेश्वर धाम दरबार में खुली 3 अर्जियां, धीरेंद्र शास्त्री का सुदेश को आशीर्वाद, जाओ बेटा होगा चमत्कार में न पढ़ना वरना लोग धर्म बदलवा देंगे। बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र शास्त्री ने गुरुवार को प्रयागराज के मेजा में माँ शीतला धाम कृपा महोत्सव में दरबार लगाया। इस दौरान उन्होंने भीड़ में से एक व्यक्ति से कहा, आप किन्हीं 3 लोगों को बुला लाइए जो आपके परिचित न हो। इन 3 की अर्जी लग गई है, मैंने पहले ही इनके नाम के पर्चे लिख रखे हैं। अर्जी नंबर 1, बेटा चल फिर नहीं पाता था, दरबार में आने से सुधार। प्रयागराज की रहने वाली शीला ने बताया, 10 साल के बेटे राहुल को न्यूरो की समस्या है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, 8 लाख रुपए खर्च होने के बाद भी बच्चे को आराम नहीं मिला। मैं पिछले 3 सालों से बालाजी सरकार के दरबार में हाजिरी लगा रही हूँ, अभी तक हमारी किसी भी दरबार में अर्जी स्वीकार नहीं हुई। जब से मैं पंडित धीरेंद्र शास्त्री के दरबार में आने लगी, बच्चे में सुधार होने लगा। आज मेरा बच्चा चल फिर सकता है, उसमें काफी सुधार है। आज बागेश्वर धाम सरकार बालाजी के दरबार में हमारी अर्जी लग गई है, मैं बहुत खुश हूँ। अर्जी नंबर 2, मुझे बेटा चाहिए, लोग ताना मारकर जीना हराम कर दिए हैं। बुलंदशहर की रहने वाली सुदेश ने बताया, मुझे प्रेत बाधा की समस्या थी, मेरे पास सिर्फ 1 बेटी है, मैं 1 बेटा चाहती हूँ, समाज ने ताने मार मार कर जीना हराम कर रखा है। धीरेंद्र शास्त्री जी ने कहा कि गर्भाशय में अंडे नहीं बन रहे हैं, देखो मैं कोई चमत्कारी नहीं हूँ, चमत्कारियों के चक्कर में पड़ना भी मत वरना ये तुम्हारा धर्म बदल देंगे, तुम इलाज कराते रहो, अंडे इलाज से ही बनेंगे, मैं जो उपाय बता रहा हूँ इसे करो, इससे तुम्हारे गर्भधारण में मदद मिलेगी और बच्चा हो जाएगा, जाओ आशीर्वाद है। अर्जी नंबर 3, प्रभु का चमत्कार ही था कि मैं यहाँ आया। प्रयागराज के रहने वाले ऋतिक मिश्रा ने बताया, मेरे पिता को लीवर संबंधी बीमारी है, पिछले काफी समय से उनका इलाज चल रहा है, इसकी वजह से पूरा घर परेशान रहता है, अपने भविष्य को लेकर भी मैं चिंतित रहता हूँ, प्रभु का चमत्कार ही था कि मैं यहाँ आया। बालाजी सरकार के पास असीम शक्तियाँ हैं, मुझे गुरु धीरेंद्र शास्त्री जी ने जो पर्ची दी उसमें मेरे मन के सवाल पहले ही लिख कर रखे थे। मैं गुरुजी के कार्यक्रमों को YouTube पर देखा करता था, मेरे मन में यह विश्वास था कि एक न एक दिन मुझे जरूर बुलाएंगे। प्रयागराज में बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र शास्त्री का दरबार। बागेश्वर वाले बाबा बोले, मैं कोई चमत्कारी नहीं हूँ,